This channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks. Before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. So, start करने से पहले अगर आप telegram channel पे join नहीं हैं तो description में आपको telegram channel का link मिल जाएगा. आप telegram channel पे join जरूर हो जाएगा. तो चलिए second September 2020 के लिए जो मैंने calls दी थी उसका पहले हम review कर लेते हैं. सबसे पहले मैंने आपको दो स्टॉक दिए थे आपके YouTube पे एक दिया था मैंने टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में मैं मैंने जैसे कि मैंने कहा टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन ज़रूर हो जाइएगा तो देखिए इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे सारे टारगेट अचीव हुए बाकी मैं बात करूँ सब्सक्राइबर्स की कॉल की काफ़ी लोग बोल रहे थे सर सब्सक्राइबर की कॉल का भी रिव्यू दीजिए तो ये सब आप क्रॉस चेक कहाँ कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिलेगा आप वहाँ पर जाकर क्रॉस चेक कर सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट में आपको सारी कॉल्स के लेवल्स मिल जाएंगे कि क्या क्या इनके लेवल्स है फिर उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा सब में ही टारगेट अचीव हुआ और फार्मा में बाई साइड का हमारा एसल हिट हुआ बाकी तो काफ़ी अच्छा ही रहा और हमारे काफ़ी जो गैप थे वो फिल होने के बाद गैप फिल कैसे होगा जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर स्टॉक गैप फिल करना है तो गैप फिल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टॉक को होल्ड लेना पड़ेगा वन बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में थोड़ा सा हल्का सा तीस सेकेंड या फिर एक मिनट का जैसा कि काफ़ी जगह होता है तो चलिए ज़्यादा लंबा टॉपिक इसे खींचते नहीं है आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा चेक कर लीजिएगा हमारा नंबर भी मिल जाएगा कोई भी क्वेरी होगी आप हमसे पूछ लीजिएगा थर्ड सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी की कॉल्स की बात कर लेते हैं पहला स्टॉक मैंने आपके लिए चुना है वो है एक्सिस बैंक जिसे आप बाय करेंगे जब लेवल ब्रेकआउट होगा फोर एटी सेवन का फोर एटी सेवन पॉइंट वन जीरो जब हो जाएगा इसका स्टॉक की प्राइस फोर एटी सेवन पॉइंट वन जीरो चल रही होगी तब आपको और इसे बाय कर लेना है टारगेट रहेगा फोर एट्टी नाइन इन टारगेट प्राइस फोर नाइन्टी टू फोर नाइन्टी सिक्स इन टारगेट प्राइस जाएंगे स्टॉप लॉस रहेगा फोर एटी फोर का हो सके तो अपना स्टॉप लॉस जो है प्लेस कर दीजिएगा मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी कि सर समझ नहीं आ रहा है स्टॉप लॉस प्लेस कैसे कर करें तो मैं बोल रहा गोडाउन माइंड में कीजिए दिमाग में सेट कर लीजिए कि अब मैं फोर एट्टी नाइन पर अगर दोबारा से स्टॉक आता है ऊपर इसके ऊपर जाने के बाद तो आप दोबारा से ट्रेड से बाहर आ जाएंगे वेट नहीं करेंगे कि अभी और मैं वेट कर लेता हूँ तो ऐसे करके आप स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे क्योंकि काफी सारे ब्रोकर अलाउड नहीं करते स्टॉप लॉस चेंज करना तो याद रखिएगा स्टॉप लॉस चेंज करना फर्स्ट टारगेट प्राइस पे जब फर्स्ट टारगेट प्राइस अचीव होकर सेकंड टारगेट प्राइस या फिर थर्ड टारगेट प्राइस का पीछा कर रहे होंगे शॉर्ट सेलिंग का लेवल ब्रेकआउट होगा कैसे ब्रेकआउट होगा फोर जब हो जाएगा तब आप इसे बाय कर लेंगे सॉरी शॉर्ट सेल कर लेंगे sure. टारगेट रहेगा आपका फोर एट्टी और फोर का स्टॉप लॉस रहेगा फोर का अगला स्टॉक हमने आपके लिए चलाया है वो है मूथत कैप जिसे आप बाय करके चलेंगे लेवल ब्रेकआउट होने पर फोर 53 का टारगेट रहेगा 455, 458, 462 फोर फिफ्टी एट रहेगा 449 फोर्टी का शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगा 447 टारगेट रहेगा 445, 440, 436 और स्टॉप प्लस रहेगा 451 का ध्यान रखेंगे देखिए जैसे मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ मैं हर बार आपको बताता हूँ एक हाइलाइटर मैं आपको यू यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ जिससे मान लीजिए ये बाई का लेवल है कर्सर पे देखिएगा और ये शॉर्ट सेलिंग का लेवल है तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर स्टॉक गैप अप ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है तो पहले क्या कीजिएगा उस स्टॉक को नीचे आने दीजिएगा टेन एम तक तो उसका वेट करे कि वो उसके नीचे आके एक मिनट का होल्ड यहाँ पे ले अप उप, एंड डाउन करे बट इसी के अंदर करे उसके बाद ऊपर बढ़े तब आप इसे बाय कर लेंगे नीचे आते हुए शॉर्ट सेलिंग आराम से कर सकते हैं गैप अप ओपन होने के बाद इसी का उल्टा अगर गैप डाउन ओपन होता है ऊपर जाता है उसके बाद होल्ड लेने के बाद एक मिनट का होल्ड ऐसे अप एंड डाउन करेगा एक मिनट तक उसके बाद नीचे आ जाएगा तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं वरना नीचे से ऊपर जाते वक्त बाय करने के लिए

तो धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए उम्मीद है आप इंटरडे में काफ़ी अच्छा कमा रहे होंगे अगर आपको भी प्रॉफिट हो रहा है डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो के साथ